स्वागत है जी हमारी अगली आज की वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने इसको पूरा टिच कर दिया था निकलने के लिए, यानी कि यहाँ से निकालने के लिए जर्नी पे जाने के लिए भी करना जरूरी है। और अब बस फाइनली हम निकलने लगे हैं, इसको तैयार करना है। वी हैव टू इक्विप इट फॉर अ लॉन्ग ट्रैवल, क्योंकि इस चीज़ को हमने कोई तकरीबन 60-70 घंटे कनाडा के आसपास चलाना है, कोई तकरीबन 6,500-7,000 किलोमीटर। उसकी तैयारी आज की वीडियो में। इसकी शुरुआत तो मेरे ख्याल से समथिंग वेरी बेसिक के पीछे टायर में हवा निकली पड़ी है, देख करना है पंचर पुंचर ना हो, उससे होगी और उसके बाद काफी सारे इंटरेस्टिंग काम और जर्नी की शुरुआत करते हैं जी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। I can show you how to have a good time. I'm that hard to forget. Yeah, I'm one of a kind. Everybody trying to be somebody. Ain't nobody else like me. Everybody trying to be somebody. I just want to be like me. Be like me. So are we leaving today? Before leaving, you know how much work we will have to do? We will first need to clean the motorhome, make it ready for departure in the sense, all the stands that are down, we need to pull them up. और भी कई सारे काम है, क्योंकि ऐसे तो इसको लेके निकल नहीं सकते, अभी इसका देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो इसके अंदर हवा ही नहीं भरी हुई, एक हमें प्रेशर पंप लेके आना पड़ेगा जिससे कि इसके अंदर हवा भरी जाए। एक टायर के अंदर हवा बहुत कम है पीछे, और हवा भरने के बाद सारे इसके जो स्टैंड है, जैक शैक, वो उठाने हैं, ताकि कोई, क्योंकि उनमें से एक ख़राब है। ऑटोमेटिक इसके अंदर स्टैंड लगे हुए हैं हाइड्रोलिक से, चार जो नीचे आ जाते हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तीन ऊपर जा रहे हैं, एक जा ही नहीं रहा। पापा कह रहे हैं वो क्रोबार से धकेल धकूल के कर देंगे कुछ ना कुछ। और उसके बाद हमें चेक कर रहे हैं कि भैया इसके अंदर सप्लाई कैसी है। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसके अंदर चूहा इतना कुछ कुतर गया है, पहले तो सारा साफ सफाइयाँ करनी पड़ेगी। तो देखते हैं भैया क्या प्लान बनता है। भाई मैं जरा अंदर सर्विस वालों को बुलाता हूँ कि हवा हवा भर दे, कंप्रेसर की हमें जरूरत है, टायर में हवा कम है हमारे। ठीक है ठीक है ठीक है, और गाड़ी ऑफ कर दूँ क्योंकि एसी तो चलता नहीं है। हाँ कर दे कर दे। और जब तक हम वापस पहुंचे तब तक पापा मोटर होम का हर पुर्जा चेक करने में लगे हुए थे, और आरवी स्टोरेज वालों का बंदा कंप्रेसर लेके आ गया था। बट हमें पता लगा कि एक प्रॉब्लम आ रही थी। भाई अभी हवा भरेगा नहीं वो, क्योंकि इसकी मुंडी थोड़ी अंदर की तरफ है ना, उसकी वजह से वो एडजस्टमेंट नहीं है। तो अच्छा, वो उसने मंगवाई अपने कलीग से। अच्छा, वो लेके आ जाए फिर पता चलेगा कि हो पाती कि नहीं हो पाती। ओके। अब जी मोटर होम का ठीक होना अलग बात है, मगर क्योंकि ये विंटराइज हुआ पड़ा था, यानी विंटर के लिए रेडी था स्टोरेज के लिए, तो इसलिए इसको अब समराइज तो नहीं बोल सकता, मगर समर के लिए रेडी करना है। उसमें से एक प्रोसेस ये होता है कि ये पानी के ना सारे इनलेट फॉसेट बंद कर देते हैं, और एंटी फ्रीज जो होता है वो इसकी पाइपों के अंदर छोड़ देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ जमे ना और पाइपें क्रैक ना हो जाए। मगर अब और हॉट वाटर टैंक जो होता है उसकी नलियाँ वलियाँ निकाल देते हैं। मुझे स्वा नहीं पता था, भगवान के साथ सारा इन्होंने बताया, और अभी उसको फिक्स कर रहे हैं। पूछता हूँ क्या कर रहे हैं। I'm tightening the electric element, okay, for the water tank. Oh, we are halfway through, I think. Where's the gate? Oh, yeah. Yeah. Oh, okay. We have enough for a long time. Ah, okay. आधी प्रॉब्लम तो पड़ी है भाई, और मम्मी तो है नहीं, तो चूल्हे जलेंगे हर टाइम, इसीलिए चल जाएगी चल जाएगी। Can you check inside if everything is off, like on the stove, every valve is off? Okay. I'm gonna open the main valve here. इतने में आरवी स्टोरेज वालों का बंदा वो पार्ट लेके आ गया, जिससे कि हमारी आरवी में हवा भरी जा सके।
बाकी भाई लोग आज वीडियो के बीच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रही हो वीडियोस तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, उसी से यूट्यूब को ये लगता है कि ये चैनल की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है तो वो थोड़ा और लोगों को रिकमेंड करता है और मेरा कॉन्टेंट जो है बाकी लोगों तक भी पहुँचेगा, तो प्लीज़ हेल्प हो जाती है। बस फिर हवा भरवा के और बेसिक चेक करके हम वापस होटल की तरफ निकल गए ताकि निखिल टाइम से अपना ऑफिस वर्क शुरू कर दे और हम कुछ और बाकी जरूरी काम निपटा लें। फाइनली जी खाना वाना आ गया और हमने सलाद वगैरह आज मंगाई है, थोड़ा सा जो है ना हेल्दी चलने की कोशिश हो रही है। ये तो एक मेरी है, एक पापा की है, और ये आ गई स्मूदी, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास टकाटक काम चलेगा। पापा विच वन विल यू हैव, ग्रीन वन और द मैंगो वन? आई थिंक इट इज मैंगो वन। तो जी सलाद वलाद जो भी हो मैं हमेशा ना अपना चिली सॉस मंगाता हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, नहीं तो बंदा लाल मिर्च का मसाला लेके चले उससे काम बहुत बढ़िया हो जाता है। ऐसा तड़के वाला फ्लेवर आ गया और सलाद में थोड़ा सा खा लेंगे प्लस स्मूदी। यस ग्रीन स्मूदी लेंगे, थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा हमारे लिए। एंड ये मैडम इसलिए कहा, वैसे $60 की आती है बट अगर आप इसके साथ मील में लो बोल के साथ तो $1 एडिशनल में मिल रही थी। सो माय स्वीट हार्ट गॉट मी स्मूदीज, चीयर्स डॉल। होटल तो हमने देख लिया जी, हम आए थे खाना खाने के लिए, मगर मोटर होम लेकर निकलने के लिए एक एलिमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है और वो मिसिंग है वो डॉली जिसके ऊपर ये कार चढ़ेगी और कार बंधेगी मोटर होम के पीछे ताकि कार को कड़ीसा जा सके, क्योंकि निखिल ने फैसला कर लिया है कि वो हमारे साथ जाएगा आगे बैंड और जैस्पर तक। हम अपना शेड्यूल थोड़ा सा मैनेज करेंगे उसके वर्किंग आवर्स के हिसाब से, देखेंगे कैसे कैसे शूटिंग होती है कैसे नहीं। मगर डॉली अगर आपको पता हो, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो पिछले सीज़न में जब हम यहाँ पे आए थे क्योंकि मोटर होम ख़राब हो गया था और डॉली मेरे को वापस लेके जानी थी, तो मैंने अपनी कार हुंडई सोनाटा के पीछे स्पेशली एक हिच लगवाया जिसके तकरीबन $300-400 लग गए थे। वो लगवाने के बाद जब वो डॉली फाइनली हमने उस हिच में बांधी तो उसकी अलाइनमेंट आउट थी या गाड़ी इतनी स्ट्रांग नहीं थी उसको खींच सके, पूरी गाड़ी ऐसे 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 बड़े ख़तरनाक तरीके से झूलती थी, तो इसीलिए हमको वो डॉली छोड़ के जानी पड़ी रजाइना में। एक कार डीलरशिप है, अपने वीर जी हैं पाजी, बड़ी उनसे अच्छी बातचीत भी हो गई थी, उन्होंने मेरी गाड़ी भी ठीक कर दी थी, उसको तैयार भी कर दिया था कि मैं उसको कैलगरी ले जा सकूं, तो उनके गैराज में फिर हमने इवेंचुअली वो डॉली छोड़ी और आज मैं वो कार डॉली लेने उनके वहाँ जा रहा हूँ। अभी हम इसमें ला तो नहीं सकते बट मैं उनसे क्विकली मिल लूँ और डॉली की कंडीशन चेक कर लूँ, क्योंकि डॉली जो है उसका एक पुर्जा ऐसा है जो हमें लेने पहले जाना पड़ेगा तैयारी में निकलने के लिए, मगर वो पुर्जा क्या है वो मैं आपको वहीं पहुंच कर दिखाता हूँ। सरदार जी से भी मिल लें और साथ में आपको आगे की सिचुएशन बताता हूँ तैयारी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे। आई वी रेडी? क्या हाल चाल पाजी? बढ़िया। हाँ जी वीडियो की मैं छोड़ दी है। हाँ जी बस गड्डी ला गया है जी। I'm good, thank you. Yourself? Nice to actually see you in person. Yes, nice to meet you. Good. I'm heading to Vancouver right away too. Yeah, you told me. Busy day for you. Yes. Yeah, busy day. Okay, park, come in guys, please. बाकी पाजी यहाँ पे इंडिया से आगे कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस वगैरह यहाँ पे एस्टेब्लिश किया उसके ऊपर मैंने पूरी स्टोरी जो है बना रखी है मेरी पिछली सीरीज में जब मैं इनसे मिला था, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी सर, बस जी बढ़िया, कैसे हो सर? पाजी जी, हाउ डू यू प्लान टू टेक इट? इज दिस द फिट ओनली? नहीं, ए मैं आएगी नहीं, वी विल हैव टू ब्रिंग द मोटर होम। मेन जो मैं यहाँ पे देखने आया था वो ये कि इसके अंदर जो हिच है वो कौन सा जाएगा, 2 इंच वाली बॉल है जो लग जिसके ऊपर ये लगता है, तो अब वो कंफर्म हो गया तो अब हम यहाँ से कनेडियन टायर जाएंगे, मगर पहले वो कह रहे हैं कि आप गैराज पे चले जाओ, गैराज 5 बजे बंद हो जाता है। सरदार जी ने फ़ोन कर दिया अपने मैकेनिक को क्योंकि इनकी बहुत बढ़िया और बहुत वन ऑफ द मोस्ट नोन डीलरशिप है यहाँ पे रजाइना में, और इनके अपने गैराज भी हैं, इनकी मेरे ख्याल से सास्काटून में भी है शायद एक, तो इनका चलता रहता है काम यहाँ पे काफ़ी हद तक, तो इनके पास जगह थी,
वर वेरी काइंड टू स्टोर इट प्रॉपरली, और अब इन्होंने यहाँ पे इसको मंगा के टिच भी करा दिया है। बट अगर मोटर होम की प्रॉब्लम ना आती तो इसको स्टोर करने का पंगा, मोटर होम को स्टोर करने के इतने पैसे, मोटर होम को विंटराइज कंपनी से करवाने का इतना खर्चा और हिच लगाने का, वो सब बच जाता। बट चलो, जो लिखा भी है उससे तो कुछ नहीं हो सकता, बट आगे का एटलीस्ट बेटर करने की कोशिश करते हैं। ओह, सैंड्रा कड्डी को मंगा के ला रही है, असी चलिए फिर सीधा अपना काम करने हैं। अब जी सारा निचोड़ निकला ये है कि इसका जो ये वाला पहिया ना, इसका जो बॉल जॉइंट होता है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, वो बदलवाना पड़ेगा। मगर इनके पास अभी बदलने को टाइम नहीं, और ये कह रहे हैं अगर आपने डॉली पे लेके जाना है और लोकली चलानी है तो अभी इतनी को क्रिटिकल मैटर नहीं है, आप ले जा सकते हो। और उन्होंने ये कहा है कि जिससे इसने गाड़ी खरीदी है ना भाई ने, उसने पीछे एग्जॉस्ट पाइप में वेल्डिंग करवाई होगी और इसको पता ही नहीं होगा कि अंदर उसके नीचे वेल्डिंग हुई पड़ी है। तो कह रहा मफलर ठीक है बट पाइप की वेल्डिंग के जो जॉइंट है ना वो एक दो उखड़ गए हैं, तो इसीलिए वो खड़खड़ खड़ कर रहा है। कह रहा बस आपको शोर की प्रॉब्लम आएगी तो वो आप वापस आके भी करवा सकते हो। मैं कहा ठीक है, फिर वापस आके दोनों काम इकट्ठे करा लेंगे। पहले ही फ़ोन कर देंगे पाजी को, साढ़े वास्ते लेबर ते पार्ट रेडी रखो, क्योंकि इनके पास पार्ट भी नहीं, अभी हम चाहें तो भी काम नहीं हो सकता। इसलिए ये तो हो गया जी गाड़ी का काम, अब नेक्स्ट स्टेप। चलो हम जी आ गए थे पापा जी को लेने के लिए, क्योंकि हमने लेना हिच। मैंने कहा इनकी कंसल्टेंसी से आ जाएगा तो चीज़ प्रॉपर आ जाएगी, हिच लेना है। उस तरफ वहाँ पे ना ट्रेलर सेक्शन है, हम उधर जाएंगे सबसे पहले पुर्जे लेने के लिए। पिताजी फुल स्पीड वहीं भाग रहे हैं, पापा फुल स्पीड टुवर्ड्स द ट्रेलर सेक्शन। ओह, देयर वाज अ सडन पावर ब्रेक। पहली आइटम जो हमने लिया है वो ये है, क्योंकि ये लगेगा उसके अंदर मुंह में जहाँ पे टायर के प्रेशर का वो है, और वहाँ से नली में से जब हवा आएगी तो ये बताएगा बाहर निकल गए कि कितना प्रेशर है। इसके ऊपर रीडिंग मेंशन होती है, तो ये तो $5 का है, ये लेना जरूरी है। अब बाकी देखते हैं हवा भरने के लिए क्या हिसाब किताब लगेगा अपना। तो जी हमने ये वाला लिया, लास्ट टाइम भी मेरे पास यही था, ये 2 इंच का उसके अंदर चला जाता है, इधर 2 इंच की ये बॉल है, इसके ऊपर डॉली की बॉल आके जो बॉल हेड होता है वो सील हो जाएगा और ये घसीटेगी। बस अब हमें जो लेना है वो लेना है एक पिन जो कि इसके अंदर से जाए और लॉक कर दे इसको मोटर होम के पीछे, मगर वो पिन भी साइज सही होना चाहिए। और अब हम ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें ताला लगे, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ बड़ी होती हैं, पर्टिकुलरली इस एरिया में। फाइनली जी पहुंच तो गए हैं और अब इसको उठा के निकालने का टाइम है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पास में एक टायर शॉप मिली है वहां हवा भर जाए। बट पहले प्रोपेन भरवानी है, क्योंकि गैस इसके अंदर भरवानी जरूरी है, पानी यहाँ पे मिल जाता है, ये कह रहे हैं पानी फ्रेश वाटर टैंक में डालना जरूरी है। तो बस अब ये काम कर रहे हैं और लेके इसको निकले, क्योंकि अपन तैयार है। कह रहे जी पहला स्टेप पानी भर ले, प्रोपेन का भी समझ नहीं आ रहा। सिटी वाटर भर रहा है मगर इसको पकड़ के रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके थोड़े से पिस्टन ढीले हो गए। हम उस तरफ से पानी भर रहे हैं, यहाँ से निकला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने विंटराइज करते हुए जो डिस्पैच वॉल्व है वो निकाल दिया होगा ताकि ये प्लम्बिंग खाली हो जाए। और अब इधर देखा है ना पानी बह रहा है, सारा टाइम खराब, और पानी वाला अब बंद कराना पड़ेगा, फिर निकालते हैं।
सैंड्रा आके मार्गदर्शन कर रही है क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है वो जगह बंद होने से पहले। बड़ी जबरदस्त एक्साइटमेंट का माहौल है जी, मोटर रूम एकदम स्मूथ और बढ़िया चल रहा है, नो कंप्लेन नो प्रॉब्लम। अब मेरा पापा को कंसंट्रेट करने देता हूँ, मैं आपसे जरा बाद में बात करूंगा, पहले हवा वाला काम हो जाए, वो बहुत बड़ी टेंशन है, 75 का प्रेशर है। इनके पास इतना ही था कि ये जो बाहर का टायर है उसको कर सकते हैं, अंदर वाले को नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर ट्रक की शॉप नहीं है, इसलिए ये वाला काम यहाँ पे भी नहीं हुआ। बड़ा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसको आज मैं यहीं कट करता हूँ और आगे फिर चल के हवा शवा भरवा के अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा भाई कि क्या हिसाब किताब बन रहा है, क्योंकि आज जाने का प्लान हमारा कैंसिल हो गया है। इस चक्कर में आज हमें रात को यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि होटल के पैसे तो हमने वैसे ही भर रखे थे, हमें थोड़ी पता मोटर हम ठीक हो जाएगा, वो तो पता जी ने कर दिया। तो इसीलिए आज की वीडियो यही समाप्त, बाकी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उसी से ही मोटिवेशन मिलती है, हमारी हिम्मत बनी रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।